माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ एक। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। यानी कि यहां पर ये कहा गया है कि जहां लड़के साथ रहते हैं वहां मृदंग यानी ढोल बजते हैं, और जहाँ बहुत सारे बूढ़े लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ खर्चा कम करना पड़ता है, या हालत जो है थोड़ी खर्चे के तरीके से कम हो जाती है। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे। तड़के यानी सुबह उठकर उनके पिताजी बैठ जाते थे नहा धोकर पूजा के लिए। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। हम भभूत यानी राख का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार यानी माथे में त्रिपुंड यानी तीन लाइनें खींच करके एक तिलक बना दिया जाता है। उसे माथे पर जो एक कम लाइन खींच करके तिलक लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिपुंड कहते हैं। लिलार यानी ललाट है यहाँ पर, कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी यानी कि हमारे बाल बहुत लंबे थे। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे यानी वो शिवजी की तरह लगने लग जाते थे बच्चे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर यानी शर्माकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे तो वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। अपनी एक रामनामा बही पर हजार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। पोथी यानी यहाँ पे एक प्रकार की पुस्तक होती है जिसके साथ बांध करके अपनी बही को वो रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को गंगा जी की ओर लेकर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधों पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधों पर ही बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते यानी खुद कमज़ोर हो जाते थे, शिथिल हो जाते थे और हम उनको पछाड़ देते यानी बच्चे अपने पिताजी को हरा देते थे। यह उतान पड़ जाते, उतान यानी पीठ के बल, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछ से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर लेते थे। बाएं का खट्टा चूमा देकर जब वह दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम चौके पर खाने बैठते। वह हमें अपने साथ ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गौरस और भात सानकर यानी मिलाकर, भात यहाँ पर चावल हैं,
जब हम खाकर अफर जाते, अफर जाना यानी पूरी तरह से पेट भर जाना, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में डाल जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भरमुंह कोर खिलाना चाहिए, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया की ठौर। ठौर यानी स्थान, यानी दुनिया में उसे कब अवसर मिलेगा, जब उसे बड़े बड़े कोर खिलाए जाएंगे, यानी खाने के बड़े बड़े ग्रास खिलाए जाएंगे। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए यानी जेंट्स और महतारी यानी माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा देते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो, बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काट का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब हमारी मियाँ कभी अचानक पकड़ पाती तब हम लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल यानी सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती, हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर यानी हमारे तेल को पूरी तरह सिर को पूरी तरह से सराबोर कर देती, हमें उबट कर ही छोड़ दी थी। उबट कर छोड़ना यानी उबटना।